हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्त, आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। इस वीडियो पे आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर आप एक्सेल में बात करेंगे तो एक्सेल में आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत ईजी है एक्सेल का फॉर्मूला, ठीक है। अगर एमएस वर्ड में कैलकुलेशन करना है तो कैसे करें? देखिए, एमएस वर्ड में कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारी फॉर्मूला है, अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करने के बाद कर्ली ब्रैकेट आ जाता है, देन इक्वल 10 + 5 + 5 + 2, देन F9। देखिए F9 प्रेस करने के बाद 22 रिजल्ट आ गया, ठीक है। अगर आप चाहे तो एक साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कर सकते, मल्टीप्लिकेशन इजीली सारी चीज़ कर सकते एक साथ। यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस F9 इक्वल देन 8 - 9 + 1 F9, कंट्रोल प्लस F9 इक्वल 50 - 2 + 1 देन F9, देखिए 49। अगर एमएस वर्ड में इस प्रकार रिकॉर्ड को कैलकुलेशन करना है तो कैसे करें? बहुत सिंपल है, इजीली हम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करने के बाद कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस F9 देन इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से देखिए ऊपर में जो वैल्यू है ऊपर से नीचे तक यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए एबव देन ब्रैकेट क्लोज F9 प्रेस करना है। देखिए 360 आ गया। अगर एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है तो क्या करना है, कंट्रोल प्लस F9 सबसे पहले प्रेस करना है, इक्वल एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ पे एबव होगा, ठीक है, एबव देन ब्रैकेट क्लोज F9 प्रेस करना है। F9 देखिए 54.8 आ गया। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू को चेंज करना है, देखिए अगर यहाँ पे जो 90 है ना, इसको मैं 600 कर लेता हूँ, ठीक है 600 किया, लेकिन इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इस टोटल को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करूँगा तो देखिए 890 आ गया। अगर इसको 60 करूँगा फिर F9 प्रेस करूँगा तो देखिए 350 आ गया। इस प्रकार वैल्यू को आप रिकैलकुलेट भी कर सकते हैं एमएस वर्ड में, ठीक है। यहाँ पे देखिए रो वाइज वैल्यू कैलकुलेशन करना है तो कैसे करें? कंट्रोल प्लस F9 इक्वल सम ब्रैकेट लेफ्ट देन प्रेस F9, परफेक्ट। यहाँ पे एक ही रिजल्ट आ गया, लेकिन हमको यहाँ पे सारे स्टूडेंट का रिजल्ट निकालना है, तो इसको कॉपी करके आप सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके इस प्रकार पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद F9 प्रेस करना है। देखिए रिजल्ट परफेक्ट यहाँ पे एवरेज निकल के आ गया। इसको हटाएंगे, F9 प्रेस करेंगे, देखिए 350 आ गया। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो टोटल होगा 350, ठीक है। आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। कैसे? कंट्रोल प्लस F9 इक्वल MIN मीन ब्रैकेट एबव देन F9 प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे 126 मिनिमम वैल्यू है, 126। अगर मैक्सिमम निकालना है तो आप यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल प्लस F9 इक्वल मैक्स ब्रैकेट एबव ब्रैकेट क्लोज F9, कंट्रोल प्लस F9 इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन एबव ब्रैकेट क्लोज F9, देखिए 238 मैक्सिमम। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर नया वीडियो के साथ मिलेंगे।